आज हम बनाएंगे दम आलू। दम आलू बनाने के लिए हमने लिए हैं 250 ग्राम आलू इस तरह छोटे, ये हमने उबाल कर रखे हुए हैं, उबाल कर छील लिए हैं। एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक कटोरी टमाटर प्योरे, एक कटोरी दही फटा हुआ या 100 ग्राम दही, एक चम्मच कसूरी मेथी, दो छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटे चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, दो चुटकी हींग, आधा छोटा चम्मच जीरा, एक चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 8-10 काजू, 2 लौंग, 3 इलायची और थोड़ी सी दालचीनी और तेल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह आलू पर हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे और तेल डाल देंगे ताकि ये सारा मसाला आलू में अच्छी तरह चिपक जाए, और इसे मिला लेते हैं हम अच्छे से। ये हमने आलू में मसाला अच्छी तरह से लगा लिया है, अब हम गैस ऑन करते हैं। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है और हम इसमें ये आलू डाल देंगे, इनको हम अच्छे क्रिस्पी और सुनहरे होने तक भून लेंगे। देखिए आलू अच्छी तरह से सुनहरे हो गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं और तेल गर्म होने देते हैं। देखिए तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे, लौंग, इलायची और दालचीनी। अब ये प्याज डाल देंगे, प्याज को हम सुनहरा होने का भून लेंगे। देखिए प्याज भून चुके हैं, इसमें हम ये काजू डाल देते हैं और इसे 1-2 मिनट भून लेते हैं। देखिए 2 मिनट हमने काजू डाल के भून लिया है इसे। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। देखिए अदरक लहसुन भी भून लेते हैं हम इसमें। देखिए अदरक लहसुन भी भून चुके हैं, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। देखिए हम थोड़ा पानी डालते हुए इसे पीस लिया है मिक्सी में डालकर प्याज और पूरे मसाले को। अब हम गैस ऑन करते हैं, कढ़ाई में तेल डालते हैं, तेल थोड़ा गर्म होने देंगे। देखिए तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। मिला देंगे और ये टमाटर प्यूरे डाल देंगे और इसे पकने देंगे हम। ये हमने इसे 5 मिनट पका लिया है, अब हम इसमें मसाला डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च, 2-3 मिनट और पका लेते हैं। देखिए हमने 2-3 मिनट इसे पका लिया मसाला डाल के, अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालिए और गरम मसाला डालेंगे, मिला देंगे अच्छी तरह। इसके बाद गैस स्लो करेंगे और ये दही डालेंगे और चलाते रहेंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे दही। देखिए इसे अच्छी तरह से मिला लिया है हमने, अब ये आलू हम इसमें डाल देते हैं। गैस ऑफ कर देंगे, कसूरी मेथी डालेंगे,
मिला देंगे और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए हमने सब्जी बाउल में निकाल ली है, अब ये दम आलू बनकर तैयार है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।